मजेदार कहानी सुनाता हूँ। द हिंदू अखबार ने एक हाफ पेज का मेरा इंटरव्यू छापा। जब उन्होंने कहा कि भाई आपका इंटरव्यू निकल गया है, आप अखबार ले लीजिए, पहले दिन रात को बोला, तो मैंने मेरे एक स्टूडेंट को भेजा एक मैगजीन स्टोर में जो अखबार भी बेचता है, मतलब हिंदू अखबार लेके आना। तो उसने उस बच्चे को डांट के भगा दिया कि भाई हमारे हिंदू मुस्लिम अखबार नहीं मिलता, ये क्या बकवास करने के लिए आ गया, हिंदू अखबार मांग रहा है बेवकूफ़ का, भगा दिया। तो मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट नोइंग। अरे राम सर, ठीक है? बहुत अच्छे सर, आपकी मुलाकात हो गई सर। ये एक मशहूर टीचर इस इलाके में, जिस इलाके को हम कल जाएंगे ना, उस इलाके में चप्पा चप्पा जानता है, पूरी जिंदगी खानदानी टीचर। और बहुत बड़े मशहूर राम सर, इनको अभी सम्मानित किया गया, हमारे एमएलए साहब ने इनके पैर छुए और इनका हाथ पकड़ के स्टेज में लेके गए और हाथ पकड़ के स्टेज से उतारा और इनकी पूरी कहानी बयान की। अच्छा, हम जामिया मिलिया इस्लामिया के पढ़े हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं। वाइट ले लीजिए। हाँ, अच्छा सुनिए, मशहूर टीचर, मशहूर टीचर। अच्छा, फिर जो है ना, दरअसल ऐसा हमें सिखाया ऐसे हमारे मिनाई साहब थे कि असली पूछो जो बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, जो अदबदार होता वो हमें बस बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, बिल्कुल सही। हाँ, हमें एकदम आपको देखकर नहीं सर, वो कहा जाता है ना कि आदमी को 60 साल की उम्र में एक बीमारी हो जाती है जिसको हिकमत में हकीम लोग कहते हैं खपतद हवाशी। ये तो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, डॉक्टर गौहर आज़ाद, ये हमारे जो वहाँ पर नहीं है मोहल्ला क्लिनिक, उसमें देखते हैं। पहले बहुत बड़े बड़े जगहों में रहे, बहुत बड़े। अच्छा, आपको मैं बताऊँ दरअसल क्या है, हमारी इज्जत इसलिए भी है क्योंकि हमें ये पता है कि हमें वहाँ जाना है, और यहाँ जो हम आए हैं किस लिए आए, प्रेम और मोहब्बत के लिए आए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। कहते फरिश्ते कुछ कम नहीं थे उसकी इबादत के लिए, सिर्फ दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। अच्छा, चिराग दिल्ली कोई साधारण जगह नहीं है, यहाँ एक लकड़ी का तख्त है जिस पर औरंगजेब की तकनशी नहीं हुई। अच्छा, ये जो चिरागुद्दीन औलिया है ना, चिरागुद्दीन औलिया, ये इनका नाम था नसीरुद्दीन औलिया। हाँ, नसीरुद्दीन महमूद, ये सूफी संत थे, ये निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, शागिर्द थे, खलीफा, उससे पानी से चिराग। हाँ, सही, इसलिए इनको चिरागुद्दीन कहते हैं। और ऐसी हिकमत है कि लोग, मुझे तो याद है कि लोटे में पानी लेकर संकल को भी कर लेते थे, गाय भैंस दूध नहीं देती थी और छपका मारते थे कि गरीब नवाज का। फिर क्या था, कितनी मोहब्बत थी, जब कोई शादी करने जाता था चक्कर चढ़ा के आता था, रुपया चढ़ा के आता था, वो जगह थी ये चिराग दिल्ली। अच्छा, फिर आप ये सारा जो है ना वो हिस्टोरिकल जगह है। अच्छा, हाँ जी, यहाँ जो ये थे क्या कहते हैं बाबर, जब बाबर आया तो बाबर ने इसकी ये क्या कहते हैं लोधी रोड मकबरा किनका है, उनका लोधी रोड में लोधी टॉम जो है, वो जो है मतलब क्या कहते हैं वो सिकंदर लोधी का है ना, ये नहीं जी, इब्राहिम लोधी का, इब्राहिम लोधी का, ये बहलोल लोधी का है, बहलोल उसके बाप का है, सिकंदर लोधी के बाप का और इब्राहिम लोधी के दादा का, दादा का। तो इब्राहिम लोधी जो है वो जब उनकी माँ को और उनकी घरवाली को यहाँ नजरबंद रखा था गुंबदों में, बिल्कुल उन्होंने, और फिर उसके बाद नजरबंद रखने के बाद उन्होंने जो है ये कहते हैं ये कि ये ऐसी जगह है कि धीरे 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 वो अपने आप वो छोड़ दिया उसने बाबर ने, एक क्योंकि जगह ऐसी थी जो कि धार्मिक थी, बहुत बड़ी हिस्ट्री है चिराग दिल्ली की, 52,000 एकड़ का इसका यानी इसका बिस्वा, और सब जो है ना इस तरफ रहते थे कि पूछो, अब आपकी रिहाइश यहीं सावित्री नगर में। हाँ, सावित्री नगर में, वही तो मुल्क गिरी। हाँ, आपकी जबान में कौशिक साहब, इतनी उम्र में प्रेसिडेंट था यूनियन का वहाँ। हाँ, हाँ, और मैं जानता हूँ आपके स्वभाव को, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप चंद लोग हैं, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक ये जो हमारा ब्रदरहुड है, भाईचारा है, और ये जो आपसी सद्भावना है वो बनी रहेगी।
बनी रहेगी। हाँ। आप कभी आए चिराग जी? मैं आऊँ आपके लिए हाजिर हैं। जब नहीं नहीं सर, बहुत बड़े इज्जतदार आदमी हैं, मैं जानता हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं, मेरी बीवी जानती है आपको, हम वहाँ रहे हैं आपके साथ में, हम मिले हैं। तबादला ख्याल जो किया आपने, उससे एक रास्ता तो निकलेगा इंशाल्लाह, जरूर निकलेगा। अच्छा, मेरी आदत है, हमारे पिताजी कहते थे कि जो बात हो उसको सब में फेंक दो, बाजार को बाजार में फेंक, बस एकदम उसका हल मिल जाएगा। ऐसे कहा पुराने लोग थे, हमें यहीं के शेख सरा कहते थे, उम्मीद अली पढ़ाया करते थे पहले में, अली बे पे ते के लोग उन्होंने सिखाया हमको। ठीक है। अच्छा।